अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हम लोग कलर सीरीज कर रहे हैं आजकल, उसमें एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आज आप लोगों को बताना है, वो ये है कि जिस वक्त हम लोग बालों को कलर अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं घर में कलर अप्लाई करने की, वो मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने घर के काम भी करने होते हैं ना, तो हम लोग यूजली ये करते हैं कि हम लोग अपने बालों को पकड़ के और उसको ज़रा अच्छी तरह ऐसे मरोड़ मरोड़ के और हम उसके ऊपर कैचर लगा देते हैं ताकि बाल हमें डिस्टर्ब ना करें, हमने अपने सारे काम कर दें। सबसे पहली बात यह कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आप नहीं करें। अच्छा, वो क्यों नहीं करें ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जो प्रोक्साइड और कलर है, इसको चाहिए ऑक्सीजन डेवलप होने के लिए, ठीक है ना। आप ये देखेंगे कई दफ़ा लोगों ने देखा होगा, स्पेशली जिनके रेजिस्टेंट हेयर हैं उनके साथ ये ज़्यादा होता होगा कि जो आपकी ऊपर वाली लेयर है इस पे तो कलर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो से अंदर वाले बाल हैं जो इसके अंदर आ गए हैं और जिनको हवा नहीं लग रही, जिसे हम कह लेंगे, ठीक है ना, हवा नहीं लग रही, वो आपके या तो पैची आएंगे और या होगा उसका कि आपको लगेगा कि कलर हो गया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको लगेगा कि कलर प्रॉपर नहीं हुआ था शायद, और वो रिंस आउट हो गया है, क्योंकि वो सेकंड लेयर में तो जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है, क्योंकि उसे प्रॉपर हर चीज़ को ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको हवा नहीं मिली। इसलिए ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी आइंदा से। नंबर एक, आप कोई टॉवल वगैरह रख लें ताकि आपकी शर्ट गंदी ना हो, तो उसके साथ आप लोग बाल लेकिन खुले रखने। आपने करना क्या है, जिस वक्त आपने कलर लगा लिया तो उसके बाद आपने इसको ब्रश को लेके अपने बालों को प्रॉपर हम इस तरह खोल देते हैं, ठीक है ना, इस तरह रफली सा खोल दें आप, ताकि आपके बालों में एयर जाए और आपका कलर इक्वल डेवलप हो। ऐसा ना हो कि जो ऊपर वाली लेयर है वो तो डेवलप हो गई है, लेकिन जो अंडरनीथ बाल हैं, जो नीचे इस तरफ बाल हैं सारे, वो कलर डेवलप ना हो। वो आप लोग सोचें, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है और आप देखें कि ये आप ना करें, आपको आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी को भी बालों का किसी टाइप का भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट में लिख दें, ताकि जब हम उस स्टेज पे जाएं तो ताकि वो हम उस उसको भी डिस्कस करें। और अगर किसी को कलर का प्रॉब्लम है तो आजकल कलर की जो सीरीज चल रही है, ताकि मैं इसी में ये सारा कवर कर दूं आप लोगों को, जिसका जो सा भी है। और मैं कई दफ़ा अपनी वीडियो देख के मुझे हंसी भी आती है, मैं बिल्कुल ऐसे आप लोगों को बता रही होती हूँ जैसे मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आयरलैंड में मैं अपनी ट्रेनीज जो थी, मेरे हमारे सैलॉन्स की ट्रेनीज होती होती थी, मैं उनको ट्रेन किया करती थी, तो शायद वो इफेक्ट आता है मेरी आवाज़ में भी, ज़रा स्ट्रांग करो ऐसे, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को मेरी ज़रा साउंड ज़रा लगे कि जी बड़ा स्ट्रांग साउंड है, तो सॉरी, ये शायद मेरी वो हैबिट डेवलप होगी हुई है। फॉलो करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच जी।